गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे आज बढ़ते हैं हमारे 5 शेयर्स के साथ जिनको आज आप बाई कर सकते हैं टू गेट द 20% प्रॉफिट इन अ ईयर मैक्सिमम। एक्चुअली मैं तो हमेशा बोलता हूँ 300 डेज में आपको मिल जाएंगे, जो हमारा कॉन्सेप्ट भी 5 शेयर्स फॉर द 300 डेज। सो आप 300 डेज में आप 20% आराम से बना सकते हैं इन 5 शेयर के थ्रू। अभी इसमें कैसे करना है कि अभी जो ये क्वांटिटी मैंने खरीदी है, आप चाहें तो ये क्वांटिटी खरीद सकते हैं एंड इसको आप सम टाइम के लिए होल्ड करें। अगर ये अपना काफी 20% क्रॉस कर लेते हैं तो आप बेच दीजिए, अगर ये डाउनफॉल जाते हैं तो सेम क्वांटिटी आप ऐड कर दीजिए। एक दो बार कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं कीजिए, आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से कि आपके पास कितना पैसा और कितना आप बेयर कर सकते हैं। बट ये शेयर्स आपको बराबर पैसा उतना बना के दे देते हैं। तो आज हम बात करेंगे, पहला शेयर जो हम रिकमेंड कर रहे हैं आज के टाइम पे, दीपक नाइट्रेट है। दीपक नाइट्रेट आप ले सकते हैं, 1800 का करीबन का है। आप जो भी प्राइस पे आज मिले आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा कॉर्प है, अच्छा स्टॉक है। गेल गवर्नमेंट स्टॉक है, काफ़ी डाउन है अभी भी, तो आप ले सकते हो। आइडिया मेरा फेवरेट है, मतलब आप पर वीक अगर इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये ऊपर नीचे करके कमा के दे देता है। आरबीएल बैंक बहुत कम मैं एक्चुअली आइडिया खरीदा है, क्योंकि मेरा उतनी ही क्वांटिटी तक मैंने सोचा कि छोड़ 8 तक 24 रुपये कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट छोटा छोटा अमाउंट में हमेशा ऐड करते जा रहा हूँ आइडिया के, क्योंकि आइडिया थोड़ा सा रिस्की भी है कि स्टॉक है, लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि कल को कुछ भी नहीं पता है कि वोडाफोन क्या करने वाला। कई चीज़ें कॉर्पोरेट लेवल पे बैकहेंड में बहुत चीज़ें चलती हैं जो हमें नहीं पता होता है। तो कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को पता होता है, हम जैसे लोग छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं उनको वो अंदर की बातें नहीं पता होती, तो थोड़ा सा वो रिस्क होता है जिसके कारण मैं कम लेता हूं। बट मेरा फेवरेट है आइडिया, घूम फिर के मुझे ऑन एवरेज 10-15% पर वीक, कभी पर मंथ, यानी मैं मंथ बोलूँगा तो 5-10% के बीच में दे देता है मंथली। आरबीएल बैंक है, आप इसको भी ऐड कर सकते हो आपके पोर्टफोलियो में। अभी काफ़ी डाउन हुआ था, कुछ रीजंस थे जिनके कारण वो डाउन हुआ था, तो आरबीएल बैंक आप ऐड कर सकते हो। ये मेरे पहले 5 स्टॉक हैं। आज हम एनालिसिस करेंगे दीपक नाइट्रेट के बारे में कि लेट्स सी कि दीपक नाइट्रेट के बारे में लोग क्या बोल रहे हैं। दीपक नाइट्रेट के बारे में हम जाएंगे तो इसके लिए हमें सबसे पहले आपको बताया है कि आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो फंडामेंटल्स में जाएंगे, राइट, फंडामेंटल्स में जाएंगे। आज थोड़ा सा मेरा नेटवर्क का वो है, तो मैं दीपक नाइट्रेट के बारे में थोड़ी सी स्टडी करते हैं। मैं इस वीडियो को थोड़ा जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। अब अगर आप देखेंगे तो आज ये 0.79% यानी अप्रॉक्सीमेटली 1% के करीब रिटर्न दिया है इसने एक दिन में, 1.30, ठीक है। इसका इंटरेस्ट वैल्यू आप देखेंगे, ROI देखेंगे, डिविडेंड रिटर्न, एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग, करेक्ट, सब पॉजिटिव दिख रहा है। अब इसका एक वीक का हम देखते हैं, एक वीक में 3% डाउन है, यानी आज आप लेते हैं अगर आप अप होता है, और 1 मंथ का 10% डाउन है, 1 ईयर का 2% दिया है, और 5 साल का अगर हम देखेंगे टोटल तो 5 साल में इसने 1000 यानी 10 टाइम्स दिया है, और मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो 6 अप्रॉक्सीमेटली उतनी है, 5 साल और उतना, क्योंकि जब अगर आप देखेंगे तो सितंबर 10 में ये आया था, सितंबर 10 में आप देख सकते हैं था, इसके बाद ये स्लो बढ़ा है, लेकिन इसने जो रन पकड़ी ये 2020 में पकड़ी है, खासकर जब कोविड आया है, केमिकल इस इंडस्ट्री में काफ़ी गया, और उसके बाद ये डाउनफॉल ही हो रहा है अभी भी, अब डाउनफॉल हो रहा है। तो आप इसको थोड़ा सा रिस्की स्टॉक लेके समझ के आप इसको कर सकते हैं। जैसे अभी 1 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो -10% है, यानी ये ऐसे गया है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर नीचे ही है, तो आप इसको थोड़ा सा डाउनफॉल करके कह सकते हैं। लेट्स सी फोरकास्ट क्या बोलता है, फोरकास्ट बोलता है 67%। मैंने ऐड कर ही लिया है, कुछ और भी रीज़न रहते हैं पर्सनली जिनके कारण मैंने ऐड किया। फाइनेंशियल मैं हमेशा बोलता हूँ आप चेक कीजिए, आप अपने हिसाब से देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फाइनेंशियल देखना आपके लिए, सभी कुछ होता है। अगर आपको एक एक टर्म नहीं समझ रहे हैं तो आप एक एक टर्म को स्टडी कीजिए, आप उनको समझने की कोशिश कीजिए। इतना बड़ा ये साइंस नहीं है कि आप नहीं समझ सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, आपको ये जाना पड़ेगा। मैं इस पर कभी भी बात नहीं कर सकता। अगर पीस में देखेंगे दीपक नाइट्रेट के कंपटीशन में, तो आप देख सकते हैं लिंडे है, सोलर इंडस्ट्री है, केमिकल्स है, इसमें पी रेशियो, डिविडेंड अगर आप देखेंगे इन चारों में सबसे अच्छा डिविडेंड आपको लिंडे इंडिया लिमिटेड दे रहा है। तो आप लिंडे इंडिया को अगर अपने उसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। फोरकास्ट यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विस आप लोगों के तभी दिखाएगा, वरना नहीं दिखाएगा, तो हम उसमें नहीं जाते हैं। होल्डिंग्स चलिए सबसे, इनका अगर आप देखोगे तो दीपक नाइट्रेट एक मिस्टर दीपक मेहता जी की कंपनी है, जिसमें उनके ही MD वो आज के टाइम पे चेयरमैन हैं, बट उनके बच्चे या उनके रिलेटिव्स ही, पूरी मेहता फैमिली ही इसको चला रही, तो कहीं ना कहीं से ये फैमिली ओन बिजनेस है।
अब इसको हम देखते हैं कि इसमें फैमिली ओन बिजनेस में इनमें प्रमोटर होल्डिंग्स कितनी है, 45% है, और सबसे ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर काफी है इसमें 35% तक। अगर आप अभी इसमें देखेंगे तो यहाँ पे मगर मैं म्यूचुअल फंड का देख रहा हूँ, टोटल प्रमोटर होल्डिंग इन्होंने अप्रोक्सीमेटली सेम रखा हुआ है, इन्होंने कभी घटाया बढ़ाया नहीं। म्यूचुअल फंड्स में देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने इनमें कॉन्फिडेंस खोया है, जो एक नेगेटिव बात है। इसलिए मैंने बोला कि आप इसको शॉर्ट टर्म में रखिए, आप प्रॉफिट कमाइए और निकल जाइए। 10 से 15 इसको 20% का टारगेट मत रखिए कि आप 20% कमाएंगे साल के अंत में तो आप उतना रखेंगे, 10 से 15% के बीच में आप रखिए, अगर उसके बीच में आपको प्रॉफिट बनता है आप निकल जाइए इसमें से। अदर डोमेस्टिक का देखें, डोमेस्टिक जैसे बढ़ रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे भी बोला तो आपको काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो है हमारे यहाँ पे इंडिया में उनका उसमें विश्वास बढ़ा है। अब फॉरेन इन्वेस्टर्स घटे हैं, वैसे भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हम हमारे मार्केट की वाट लगाने पर पड़े हुए हैं तो उनकी बात ही तो छोड़ देते हैं, जानबूझ के पड़े हुए हैं। कई चीज़ें हैं फैक्टर्स, कोई कमेंट कर देता है तो पूरी कम्युनिटी रिलीजन के हिसाब से पड़ जाती है, वो सब गलत है क्योंकि आप बिजनेस अलग है और रिलीजन अलग है, कभी उसको कंबाइंड नहीं रखना चाहिए, बट होता है। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास भी चांस है कि हम भी उन कंट्रीज के प्रोडक्ट ना यूज करें। बाकी है, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर देखेंगे तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़े हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स तो आप जानते हैं कि SMS मार्केटिंग इसके थ्रू भी बढ़ जाते हैं, तो इसका आप कभी भी नहीं कह सकते कि वो लोग बराबर एनालिसिस के हिसाब से। जैसे मैं भी बहुत बड़ा इन्वेस्टर नहीं हूँ और ना ही मैं बहुत एनालिसिस बहुत तगड़ी करता हूँ एकदम कि परफेक्ट 100%, नो वन कैन बी परफेक्ट, बट मैं भी इतनी 100% तक नहीं कर पाता हूँ। बट ठीक है, हमारे जैसे लोग ही रिटेल इन्वेस्टर हैं जो दीपक नाइट्रेट में बढ़े हैं, बट मेरा रिक्वेस्ट अभी भी है कि आप 10 से 15% के बीच में प्रॉफिट होता है आप दीपक नाइट्रेट में कमा के निकल जाइए। 10% तो मिनिमम प्रॉफिट आपको ये कमा के दे देगा, तो आप 10% 20% का सोचने का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट आप 10% करके निकल सकते हैं। न्यूज़ तो अभी था कि इसमें आग भी लग गई थी, फिर उसके बाद कुछ दिक्कतें हुई थी जिसमें गवर्नमेंट का इश्यू हुआ था, वो क्लियर हुआ तो 4 दिन से ये बढ़ रहा है। इवेंट्स आपको देखने की जरूरत नहीं है। इंक्रीजिंग दीपक नाइट्रेट डिविडेंड कंसिस्टेंटली ओवर द 5 years, तो डिविडेंड इन्होंने बढ़ाया है वो अच्छी बात है, बट ठीक है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इसके डिविडेंड्स अगर आपका शेयर उतना प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो चलते हैं, बस इतना ही आज बताना था। ये मेरे 5 शेयर हैं जिसमें दीपक नाइट्रेट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे दी मैंने, सॉरी। तो आप ये 5 शेयर अपने आज के पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए और होप करूंगा कि आप मिनिमम 20% आप कमा सकें 300 डेज में। थैंक यू वेरी मच, आप सबका दिन शुभ हो। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं देख रहा हूँ लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल देखते हैं वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर पसंद है तो भाई प्लीज़ शेयर भी कीजिए ना अपने दोस्तों को, यार को, आपके हर आपके फ़ोन में 5 तो व्हाट्सएप ग्रुप होंगे ना, एटलीस्ट 5 में भेज दीजिए। भेजने में क्या जाता है, वो भी सीखेंगे, वो भी पैसा कमाएंगे। कोई भी आज के बैंक में हम लोग तो 10% के 8% भी नहीं कमाते हैं। PPF मैक्सिमम 8% तक आजकल दे रहा है, उससे भी कम हो गया है। तो फिर बेटर है कि लोग ऑप्शन ढूंढें, अगर वो 1 लाख सेविंग कर रहे हैं, 1.5 लाख सेविंग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख सेविंग कर रहे हैं, तो उनसे बोलिए 10,000 रुपये तो यहाँ डालें, 10,000 रुपये शेयर मार्केट में डालेंगे, 10,000 रुपये 10% भी कमाए तो 10% बाकी किसी भी सेविंग से तो ज़्यादा ही है ना। और अगर आप लालच नहीं करेंगे तो शेयर मार्केट जुआ नहीं है। अगर आपने लालच किया कि नहीं आपको करोड़पति बनना, नहीं हो सकता। 10% ये गारंटी जरूर है कि आप मिनिमम 10% शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स में रख के कमा सकते हैं, भले स्टॉक आपके निगेटिव जाए तब भी। मान लो अभी जैसे आज मैंने खरीदा है डेल्टा कॉर्प, अभी निगेटिव दिख रहा है तो रहने दीजिए ना निगेटिव, जब तक आप इसको बेचेंगे नहीं तब तक फर्क क्या पड़ता है आपका, आपकी प्रॉपर्टी रहेगी। 183 का पड़े या 184 का, आपकी प्राइस तो 184 की एवरेज प्राइस है ना, मैंने खरीदी है, अब उसको 184 होने दीजिए, 170 होने दीजिए, मैं तो 184 से ऊपर जब 10% जाएगा तभी बेचूंगा, तो मेरी उसकी वैल्यू तो उतनी है ना, तो आप होल्ड कीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। आप नहीं बेच पाएंगे, आपके बच्चे बेचेंगे तब बढ़ेगा, हम ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ, बहुत निगेटिव न्यूज आई तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस अगर निकल रही है, बहुत कुछ पता चलता है कि नहीं ऐसा हो रहा है, ये हो गया वो हो गया, जहाँ पर कोई उम्मीद नहीं है, कोई भी उम्मीद नहीं, तभी सेल कीजिए। सेल ऐसे ही मत कर दीजिए कि न्यूज में आ गई तो, आप जाके खुद भी स्टडी कीजिए। आज के टाइम पे गूगल अवेलेबल है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन एंड, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए चैनल को। आगे हम लोग मिलते हैं फिर से कल, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट 5 शेयर्स के साथ। होप सो, आप सबका दिन शुभ हो, धन्यवाद।